तो आज हमारे किचन में बन रहे हैं गेहूं के आटे के और आलू के स्नैक्स। क्रिस्पी हैं, कुरकुरे हैं, चटपटे भी हैं और हम न डीप फ्राई करेंगे न इसमें मैदा डालेंगे बल्कि तवे पर बनाएंगे। बड़ी आसान रेसिपी और बड़े झटपट बन जाते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये स्नैक्स बनाने के लिए पहले बांधेंगे गेहूं का आटा। तो ये आटे में डाल रहे हैं अजवाइन, नमक और डाल रहे हैं थोड़ा सा तेल और इसे बांधेंगे पानी के साथ। जैसे रोटी का आटा बांधा जाता है बस वैसे ही बांधेंगे। पानी को डालिएगा इंस्टॉलमेंट्स में। और तेल अगर नहीं डालना चाहते तो आप उसके बजाय प्योर घी डाल सकते हैं, देसी घी डाल सकते हैं, लेकिन घी ज़रूर डालिएगा। उसके साथ बनेंगे आपके स्नैक्स काफ़ी क्रिस्पी। तो इस आटे को बस रोटी के आटे की तरह ही बांधना है और इसे बस बांध के रख दीजिए अलग से 5-10 मिनट के लिए, जब तक ये सेट हो जाएगा। और करते हैं आगे की तैयारी। और ले रहे हैं अब आलू, जिन्हें हमने उबाल के कद्दूकस किया हुआ है। इसमें डालते जाएंगे मसाले और इसे बनाएंगे चटपटा। तो हमने डाली हरी मिर्ची, ये है अदरक पिसी हुई, और डाल रहे हैं फ्रेश कोरिएंडर लीव जिन्हें हमने काटा हुआ है। और अब डाल रहे हैं सूखा धनिया के सीड जिन्हें हम क्रश करके डाल रहे हैं। इन्हें क्रश करके ही डालिएगा। और इसके बाद डालेंगे कॉमन स्पाइसेस। तो ये डाल रहे हैं जीरा पाउडर, नमक तो डालेंगे उसे डालेगा स्वाद के अनुसार, और डाल रहे हैं लाल मिर्ची, और डाल रहे हैं ड्राई कोरिएंडर पाउडर मतलब सूखा धनिया का पाउडर। वैसे आप इसमें अपने हिसाब से मसाले डाल सकते हैं। आप अगर हल्का सा गरम मसाला डालना चाहते हैं तो भी उसका भी मज़ा आएगा, और आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इसे जितना चटपटा बनाना चाहते हैं बनाइएगा। तो ये आलू हो चुका है रेडी, चलिए करते हैं आगे का स्टेप। तो आटा हो चुका है सेट, इसकी एक बड़ी सी लोई बनाकर इसे रोल आउट कर दे रहे हैं। इसकी एक पतली सी रोटी बनानी है। तो देखिए ये रोटी रोल आउट हो चुकी है। इस पर पहले हल्का सा ऑयल लगा दे रहे हैं और इस पर हमारा पूरा आलू का मिक्सचर स्प्रेड आउट कर देंगे। बस इसे बड़ी अच्छी तरह इवनली स्प्रेड आउट कर देने के बाद इसका बनाएंगे एक रोल, और ध्यान रहे कि इसे हल्के से रोल आउट करना है। तो ये हमारा एक रोल हो चुका है रेडी। अब इसे हम चॉप कर देंगे, तो इसके छोटे छोटे पीसेस काट देंगे जितने आप काट सकते हैं। देखिए करीबन 1 इंच की थिकनेस है, आप इसे भी पतला कर सकते हैं लेकिन इसे मोटा ना करिएगा। और अब हर एक पीस को प्रेस करके उसकी टिक्की या एक कटलेट की तरह बना देंगे। लेकिन पहले डिप कर रहे हैं सफ़ेद तिल में और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ, और फिर उसे हाथों के साथ बस से प्रेस कर देना है। तो ये हमारे सब पीसेस हो चुके हैं रेडी। इन्हें अब करेंगे शैलो फ्राई, और वो करेंगे तवे पर। तो हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। इसे पहले कर रहे हैं ग्रीस ऑयल के साथ, और इस पर बस रखते जाएंगे हमारे मिनी पराठास, और इन्हें दोनों तरफ से सेकेंगे। आप ऑयल कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कम ऑयल में भी बन जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत क्रिस्पी चाहिए तो इसमें ज़्यादा ऑयल डाल के आप इस मीडियम से लो आंच पर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। 2 से 3 बार उल्टाना पलटाना तो पड़ेगा, और एक राउंड को कुक होने के लिए लगेंगे करीबन 3 से 4 मिनट। तो हमारी पोटैटो स्नैक्स हो चुके हैं रेडी। इन्हें आप मिनी पराठा भी कह सकते हैं। इन्हें एंजॉय करेंगे हम टोमेटो सॉस के साथ, वैसे चटनी के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? उम्मीद करते हैं कि आपको ये रेसिपी बड़ी पसंद आई और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके पोटैटो स्नैक्स कैसे बने। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करेगा, इसे शेयर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ और वीडियोज़ वक्त पर मिल जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।